कार्यक्रम में चर्चा कर रहे पंडित राजकुमार शर्मा जी से। संसद में हंगामे के बाद ऐसे खतरे के बादल जो है संसद पर आने लगे हैं, जिसको देखते हुए ऐसे लगने लगा है कि आने वाले कुछ ही समय में चुनाव हो सकते हैं और उस चुनाव में नतीजे क्या होंगे या उस चुनाव के बाद क्या होगी राजनीतिक स्थिति, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं पंडित राजकुमार शर्मा जी से। पंडित जी, ये बताइए कि जिस तरह से अगर हम देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को, तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये गांधी फैमिली या यूपीए सरकार जो है, यूपीए टू जो है, उनको जो छोटे राजनीतिक दल है जो अलग अलग प्रांतों से बटे हुए हैं, उनसे कितना खतरा हो सकता है? इस वक्त जब हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात समझ कर लेना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस में, आपने एक सवाल, सबसे पहला सवाल किया कि क्या आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल आपने किया। इस सवाल को जब हम लेते हैं राजेश जी, तो एक बात ध्यान ले लीजिए कि इस वक्त चुनाव की कहीं दूर दूर तक रोशनी नजर नहीं आती है। कम से कम अप्रैल 2013 तक तो ग्रह दशा में अगर हम शनि मंगल की बात करें, उसके बाद सूर्य शनि के साथ में आएगा तो वो भी एक विस्फोटक, क्योंकि वो मित्र शत्रु के घर में होगा तो वो भी एक विस्फोटक कार्यक्रम होगा। तो डेफिनेटली अप्रैल मई 2013 तक तो कहीं चुनाव के दूर दूर तक अंदेशे नहीं है। हाँ, अगर कहीं आगे आने वाले दिनों में चुनाव घोषित होते हैं तो नवम्बर 2013 में वो चुनाव घोषित हो सकते हैं। उसके साथ में अगर प्रांतीय पार्टियों की बात करें, प्रांतीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, मायावती है, यहां पर राज ठाकरे साहब की पार्टी है, शिवसेना है या अन्ना ड्रुमक है, ये जो 15-20 जो मेजर पार्टीज हैं, अकाली दल हैं, इनसे कांग्रेस को खतरा कोई नहीं होगा। कहीं ना कहीं नई पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के को हेल्प करेंगी, कहीं ना कहीं वोटों का जो है वो सैबोटाइज होगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस को उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे, नुकसान नहीं। कांग्रेस के साथ में आज ममता बनर्जी जितना मर्जी उनके साथ विरोधाभास में रहती हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको छोड़ के जाने को भी तैयार नहीं है। इसी तरह बाकी जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी आगे आने वाले दिनों में। आप देखेंगे जैसे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद को पहले ममता सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने आराम से पीछे से आके सपोर्ट कर दिया, दीदी दीदी बोलकर उन्होंने सपोर्ट करवा लिया। या प्रणब दा की कुंडली इतनी खूबसूरत थी, उसके साथ में अगर हम समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को देखें तो मुलायम सिंह जी ने भी चुपके से पहले ही बोल दिया कि भाई आई विल सपोर्ट कांग्रेस एंड प्रणब मुखर्जी, वो मेरे मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लड़ते झगड़ते भी उन्होंने सपोर्ट किया। आज अगर हम घोटालों की बात करें तो हो सकता है कि ये कोयले घोटाले के बाद में एक और बड़ा 4 लाख करोड़ रुपए का घोटाला निकले, क्योंकि ये सुधारीकरण की तरफ है देश जा रहा। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी पवित्र छवि, साफ पर्सनैलिटी शायद ही हमें राजनीति में देखने को मिलेगी। उनकी कुंडली का अध्ययन करिए, एक आदमी साधुत्व को प्राप्त करने वाला आदमी आज गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। क्या पंडित जी, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है या आपके जो व्यूज है वो थोड़े से डॉक्टर मनमोहन सिंह के तरफ झुकाव देने वाले या थोड़े से बायस, अगर हमारे किसी व्यूवर ने सुने तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि पंडित जी की भविष्यवाणी थोड़ी सी बायस है, तो ये जो आपकी भविष्यवाणी है इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कुंडली का कोई आधार मिल रहा है? दो बातें ध्यान से सुने, आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मेरा कोई परिचय नहीं, ना मेरी मुलाकात है, ना मैं कांग्रेस का वर्कर हूं, ना मैं शिवसेना का, ना भारतीय जनता पार्टी का। ज्योतिषीय आधार के ऊपर बैठे हुए मैं ये बात की भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं तो आप एक ऑपोजिशन लीडर को पकड़कर पूछिए कि हाउ डू यू थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या उसने ये कोलसा घोटाला में घपला किया होगा? वो बोलेगा भाई उसने तो नहीं किया, हाँ ये हो सकता है उन्होंने सैंक्शन किया हो और पैसा कोई और खा गया हो। इसलिए मैं कहीं भी बायस होने का कोशिश नहीं करूंगा। मैंने तो यहां तक कि लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणियां टेलीविजन चैनल्स के ऊपर की हुई हैं। इसलिए अगर कहीं भारतीय आप मेरी कुछ भविष्यवाणियां कुछ यूट्यूब पे या कुछ वीडियो में देखेंगे तो जब ही अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो मेरे को आपके चैनलों के माध्यम से लोगों ने पूछा था, तो
मुला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन दिनों उप प्रधानमंत्री बने थे। यहां पर जब शिवसेना की पहली बार सत्ता आई उस वक्त भी हमारी भविष्यवाणी थी। इसलिए बायस होने का मतलब ही नहीं है, राजनीतिक ज्योतिष और ग्रहों की दशा। मेरा मोटो ये रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं भाई, ये दशा अच्छी नहीं है, इसमें तुम जी जी पंडित जी देखिये, हालांकि आपकी बात है, आपकी जन्मभूमि अलग है, लेकिन आपकी कर्मभूमि जो है महाराष्ट्र है। आने वाले दिनों में देश के राजनीति में महाराष्ट्र कहाँ रहेगा, और महाराष्ट्र का सबसे कद्दावर नेता शरद पवार और उनके परिवार का स्थान जो है वो क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल आपने मुझे कर दिया, क्योंकि इस वक्त राजनीति का जो केंद्रीयकरण है या इस राजनीति का जो चेहरा देखने को जाएंगे तो इस वक्त भारतीय, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक सितारा चमका है। उस सितारे को चमकने से या उस सितारे की लौ को कम करने में किसी भी पार्टी में दम नहीं है, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, और चाहे वो उनके चाचा बाला साहब ठाकरे हो। उस सितारे का नाम है राज ठाकरे। आपको याद होगा फ्रॉम द डे वन जब उन्होंने उस पार्टी का गठन किया, अब तक मैं उनके बारे में भविष्यवाणियां कहते आया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र जो है वो बदल के रख देगा। लेकिन वो तो खुद ये कहते हैं कि मुझे महाराष्ट्र के अलावा कहीं पर देखना नहीं है, कहीं कुछ सोचना नहीं है, मुझे तो महाराष्ट्र में ही काम करना है, महाराष्ट्र में राजनीति करनी है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो महाराष्ट्र, आपने सवाल ही महाराष्ट्र के संदर्भ में किया तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र को एक और नया नरेंद्र मोदी मिलने वाला है, राज ठाकरे के रूप में महाराष्ट्र को एक नया नरेंद्र मोदी मिलने वाला है। ये बात मेरी समझ लेना, आज के दिन को नोट कर लेना, 28 तारीख 4:35 के ऊपर ये भविष्यवाणी है, और उसका साथ देंगे उनके ही परिवार के लोग, और तब जाकर महाराष्ट्र में एक नया चमत्कार होगा। महाराष्ट्र फिर जो विलासराव देशमुख का सपना था शिंगाई के रूप में, जैसे उन बनाना चाहते थे वैसा बनेगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको जो ड्यूस खेलते हैं ना टेनिस का जी, बेनिफिट गोज टू राज ठाकरे। ये बातें ध्यान रखना सर आप, राजेश जी, कि महाराष्ट्र को राज ठाकरे के रूप में एक नया नरेंद्र मोदी मिलना तय है। पंडित जी, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आपने राहुल गांधी के बारे में कहा, प्रियंका गांधी के बारे में कहा, राज ठाकरे के बारे में कहा, अमित देशमुख के बारे में कहा, इन प्रणीति शिंदे के बारे में कहा, तो ये जो जनरेशन नेक्स्ट है, उन जनरेशन नेक्स्ट को किस चीज का ख्याल रखना चाहिए ऐसा आपका मानना है? सबसे पहले उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। बहुत बड़ा सवाल किया आपने, दिवंगत आत्मा विलासराव देशमुख एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर चले गए कि भाई हम 24 घंटे में 20 घंटे बिजी रहते हैं, चाहे पैसा कमाने में, चाहे देश की सेवा करने में, चाहे अपने आप समर्थकों की सेवा करने, अपने आप को बढ़ाने में, मगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। राजनीति में एक अच्छे खूबसूरत हिट फिट नेता की जरूरत है। आप देखेंगे अगले 7 से 8 सालों में देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होगा, राहुल गांधी उसकी कमान संभालेंगे। एक युवा नेता महाराष्ट्र में राज ठाकरे के रूप में होगा जिसका, जो महाराष्ट्र की कमान संभालेगा, और पंजाब में सुखबीर बादल। ऐसे आप देखेंगे युवा जो हैं, इस देश में जो निराशा थी, इस देश में वरीज थी, इस देश में जो साढ़े सती लगी हुई थी, उसको दूर निकालकर फेंक देंगे, और वो देश दिन दूर नहीं जब ये हमारा देश जो है चाइना से भी एक कदम ऊपर जाएगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे मुझे पूछना है कि क्या इस देश की राजनीति और इस देश को लेकर राजनेताओं का जो सोच है वो इस तरह से ही बिखरी बिखरी रहेगी, या वो कभी तो, जैसे आपने जो अभी यहाँ जिक्र किया चाइना का, उसके तरफ कहीं फोकस करेंगे कि देश को आगे बढ़ाना है तब मैं आगे बढ़ूंगा, अब नेता ये कहते हैं कि पहले मुझे आगे बढ़ाना है। आने वाले दिनों में क्या चाइना की तरह हम अपना फोकस कर सकेंगे? तो सर एक बात ध्यान रखना, चाइना में करप्शन नहीं है ये कौन कहता है, अमेरिका में करप्शन नहीं है ये कौन कहता है, हर देश में करप्शन है। मगर 1905 में, 1905 में इलामा इकबाल जिन्होंने लिखा ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा,
हम बलबले हैं उसकी ये गुलसीट। उन्होंने लिखा, किसी ने उनको पूछा कि राजनीति के बारे में क्या कहते हैं या इस देश में क्या हो रहा है, तब बल्कि सरकार गोरों की थी तो उन्होंने तब बोला कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वीराने गुलिस्तां के लिए तो एक ही उल्लू काफी है, यहां तो हर शाख पे उल्लू। तो जनाब एक बात ध्यान रखिए, अपना स्वार्थ त्याग कर जब हम देश की सेवा करेंगे वो समय आएगा 2019 के बाद। अब तो अपना पेट भर लो और चाहे महीना दो महीने साल भर अंदर रह लो, ये वातावरण में देश को अभी और जूझना है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देश के राजनेताओं की कुंडली हमारे दर्शकों के सामने रखी और आने वाले दिनों में देश का चित्र कैसे होगा, देश किस तरह आगे बढ़ेगा, इन सारी चीजों पर रोशनी डालने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह इन सारी चीजों का विश्लेषण करते रहिए ताकि हमारे दर्शकों को क्या असलियत है और क्या नेताओं को करना चाहिए, क्या नेता कर रहे हैं, इन सारी चीजों का जो भी वो बात समझ में लाने की कोशिश आपके जरिए हम करेंगे। और इसी तरह आप लेमन न्यूज और चैनल वन पर आते रहिए और लोगों को ये सारी चीजें समझाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंडित